Hello dear friends, welcome to you on the platform of the education. Myself Bharat और आज आप लोगों के समक्ष जो मैं उपस्थित हुआ हूँ दो विषयों पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सबसे पहला विषय तो आप सभी जानते हो कि फ़िलहाल देश में जो हालात हैं कोरोना वायरस COVID-19 को जो है लेकर, मैं भी अपनी दो दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था अपना और कुछ बेसिक जानकारी देने का प्रयास किया था अपने वीडियो के माध्यम से। और आज अगर देखा जाए तो कोरोना ने काफ़ी हद तक विश्व को प्रभावित किया हुआ है, नकारात्मक रूप से नेगेटिवली जो इम्पैक्ट किया हुआ है पूरे वर्ल्ड पर। फिलहाल अभी आप सभी जानते भी हैं कि समस्या की गहराई बहुत ज़्यादा है। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह बात ठीक है कि इतना बुरा हाल या इतनी बुरी स्थिति अभी तक नहीं हो पाई है, लेकिन अगर हम थोड़ा सतर्क नहीं रहेंगे, सावधान नहीं रहेंगे और कुछ गाइडलाइंस को जो WHO ने और साथ ही साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किए हैं, अगर उनको फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यह समस्या कल को एक सीवर थ्रेट बन जाए, एक गंभीर चुनौती बन सकती है और इससे फिर निजात पाना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। अब यदि देखा जाए तो समस्या का फिर समाधान क्या होगा, यानी कि अगर हमें कोरोना से लड़ना है या कोरोना को डिफीट करना है तो हमें क्या क्या करना चाहिए। आप लोग अगर चाहे तो वो वीडियो जो मैं ऑलरेडी एक YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ उसके मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा, आप एक बार समझ लेना वहाँ से। और वैसे आप लोगों ने जितना आप लोग न्यूज़ देख रहे हैं, साथ में बहुत सारे बड़े बड़े विशेषज्ञ इसके बारे में जो चर्चा भी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि आप मुझसे भी बेहतर जानते हो उसके बारे में। अब चूँकि फिलहाल लॉकडाउन वाली स्थिति है और देश में सभी के सभी लगभग अपने अपने घरों में कैद हो चुके हैं, कैद होने के पीछे कारण बहुत सारे हैं और सबसे प्रमुख जो कारण है वो यही है कि ये वायरस आप सभी के सभी जानते हैं कि बहुत तेज़ी के साथ में फैलता है। ह्यूमन टू ह्यूमन टच अगर हो, यानी कि आपको पता है कि पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इस वायरस का होता है, और ये COVID-19 की जो समस्या है ये फिर लगातार जो है समाज में फैलती चली जाएगी। और फिर जो मेडिकल कंडीशंस हमारी है इतनी भी जो है मतलब कैपेबल नहीं है कि ऐसी सिचुएशन को जो हम प्रॉपर हैंडल कर पाएंगे। इसलिए किसी व्यक्ति ने सही कहा है कि सतर्क रहिए तो ज़्यादा अच्छा होगा, सावधान रहिए और गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। अब दूसरी जो प्रमुख बात है यहाँ पर कोरोना से लेकर है, अब आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग फिलहाल अपने घरों में खाली समय में बहुत बोर भी हो रहे हैं, बड़ी समस्या उनके साथ में हो रही है, परेशान हो रहे हैं। और मतलब एक प्रकार से देखा जाए तो कुछ लोग जो कुछ मेरे फ्रेंड्स भी हैं, कुछ मेरे विद्यार्थी भी हैं, उन लोगों से बातचीत हुई तो वो इसी बात को बोल रहे थे कि पढ़ाई लिखाई में भी मन नहीं लग रहा है और बाकी दूसरी कोई भी कल्चरल एक्टिविटीज़ जो होती होंगी उनमें भी उनका मन नहीं लग पा रहा है। अब क्या किया जा सकता है इसमें कि अगर पढ़ाई में मन लगाना है तो यही अगर आप देखेंगे फिलहाल तो मैक्सिमम जितने भी हमारे देश के जो आयोग हैं या बोर्ड्स हैं जो कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे UPSC हुआ, SSC हुआ, रेलवे बोर्ड हुआ, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB, अभी सभी में ही चूँकि अवकाश का समय चल रहा है, आप जानते हो कि लॉकडाउन की स्थिति में कोई भी सामने नहीं आ पाएगा और सारा का सारा जो वर्क है वो पेंडिंग में है। तो इसका मतलब ये होगा कि जो एग्ज़ाम एक महीने बाद होने वाला था, हो सकता है कि वो इन कुछ कारणों के कारण उसको और भी ज़्यादा जो है आगे पोस्टपोन किया जा सके। अगर ऐसा होता है तो ये अच्छी बात होगी कि महीने डेढ़ महीने का जो ये समय जा रहा है इसमें जो है आप लोग अपने टारगेट स्टडी को अच्छे से कर सकते हो। टारगेट स्टडी का मतलब किस बात से होता है कि आप टॉपिक वाइज स्टडी करें, आप बिल्कुल ना भटके। जैसे कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होंगे जो 31 मई को होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, UPSC के लिए, तो हो सकता है कि देखिए इस परीक्षा में वही विद्यार्थी बैठता है जो जाहिर सी बात है जिसने 1-1.5 साल लगातार मेहनत भी की है। और जो ये फिलहाल का टाइम है ये टाइम वो होता है जब आप अपनी प्रीवियस सारी तैयारी को रिवाइज कर रहे होते हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो भी विद्यार्थी हैं उनको अपने प्रीवियस चीज़ों को अच्छे से जो है फिलहाल रिवाइज करने का मौका मिला है दोबारा से। आप लोगों ने जो टेस्ट सीरीज को जो आप लगातार लगा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज को एक बार कर देने के बाद उसको छोड़ना नहीं चाहिए, उसको दोबारा से फिर से उसको रिवाइज करना चाहिए। उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपको एग्ज़ाम के टाइम में मिलेंगे। टेस्ट सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है UPSC एग्जामिनेशन के लिए,
बाकी आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि मुझसे भी बेहतर जानते होंगे इस विषय के बारे में कि कैसे जो है आपको एक अच्छा एग्ज़ाम आप दे सकते हो। अब अन्य लोगों को क्या करना चाहिए, बस अन्य लोग भी अच्छे प्रकार से जानते हैं। WHO हुआ, हमारे जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हुई, बहुत सारे जो संस्थाएं हुई, बड़े बड़े विशेषज्ञ हुए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हुई, आप सभी के सभी इनकी जो गाइडलाइंस है आप लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए, उनको फॉलो कीजिए। इसके अलावा आपको और कुछ नहीं करना है, प्लीज़ स्टे होम, बी सेफ। अब ये तो प्रमुख मुद्दा था जो वर्तमान में आपको दिखाई पड़ रहा है। दूसरा, मैं आज पहली बार इस चैनल पर आया हूँ और मतलब इस प्रकार से आपके सामने रूबरू होने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं थोड़ी सी इस चैनल के बारे में भी। तो ये एक नया चैनल है, नया नहीं इसको कहा जा सकता कि वैसे तो 7 से 8 महीने हो चुके हैं इसको बने हुए, लेकिन पहले बहुत सारे मतलब व्यस्तता के कारण मैं इस पर कोई खास वीडियो अपलोड नहीं कर पाया हूँ, और जो वीडियो अगर अपलोड की भी गई हैं तो वो वीडियो सभी के सभी ऐसी वीडियोज़ थी कि जो बस ऐसे ही चलते फिरते ही जो है हो गई थी। लेकिन ये है कि कंटेंट उसमें ठीक दिया गया है, अगर आप लोग एक बार वीडियोज़ देखोगे प्रीवियस, तो आपको 40 से 45 मिनट की वीडियोस में काफ़ी सारा फैक्ट भी मिलेगा, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे। कुछ बेसिक जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ यहाँ पर, उसका उद्देश्य इस बात से है कि जो चीज़ें आपको प्राइमरीली बुक्स में नहीं मिलती हैं और आपको खुद से उनको पढ़ना होता है, ज़्यादातर जो टॉपिक्स हमारे हैं वो उन्हीं जो है सब्जेक्ट्स को लेकर के हैं। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि जैसे अच्छा इंग्लिश में अच्छी किताबें हैं लेकिन हिंदी में कुछ किताबें अच्छी नहीं हैं, जैसे अगर ज्योग्राफी की कुछ वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं, आप लोग देखोगे कि अक्षांश और देशांतर, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से संबंधित इतना अच्छे तरीके से हिंदी माध्यम की किताबों में नहीं दिया गया है। यही उद्देश्य मेरा है कि मैं जो हिंदी माध्यम के बच्चे भी हैं, ज़्यादातर जो मेरे जानने वाले स्टूडेंट्स हैं, अधिकांश 90% के आसपास में या 80% तो एटलीस्ट होंगे ही ऐसे कि जो हिंदी माध्यम से हैं, तो मेरा प्रयास इसी बात से है कि मैं चूँकि खुद मेरा माध्यम अंग्रेजी माध्यम है और मैं साथ ही साथ में हिंदी माध्यम में भी जो है तैयारी कराता हूँ बच्चों को, तो मैं इंग्लिश में उसको पढ़ता हूँ खुद के लिए और बाद में उसको अनुवाद करके उसको हिंदी में भी जो ट्रांसलेट करता हूँ। बाकी विद्यार्थी काफ़ी बेहतर तरीके से जानते हैं, जो विद्यार्थी मेरी क्लास ले रहे होते हैं, और उम्मीद है कि आप लोगों के भी मैं काम आ पाऊँगा। अब इसका उद्देश्य क्या है चैनल का बनाने का, देखिए दरअसल बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होते हैं कि जो महंगी महंगी कोचिंग्स का इतने सारे जो है स्पेंडिंग्स नहीं जो है वहन कर पाए। जैसे अगर आप दिल्ली के किसी भी संस्थान में जाएंगे, मैं पर्टिकुलर नाम तो नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन एक अच्छा संस्थान आपको अगर आप SSC की तैयारी करने जा रहे हो तो कम से कम 30 से 50,000 के आसपास में आपकी वहाँ पर फीस चली जाएगी, अगर आपको प्रॉपर फॉर्मेट में तैयारी करनी है, अच्छे प्रकार से तैयारी करनी है। कोई भी बहुत सारे इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, आपने अच्छे अच्छे नाम भी सुने होंगे। उसके अलावा अगर आप UPSC की तैयारी करने के लिए जा रहे हो तो जो बड़े बड़े संस्थान हैं खासतौर से हिंदी माध्यम के, उनमें भी कंप्लीट कोर्स करने में लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास का खर्चा आ जाता है। और ये 2.5 से 3 लाख में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में सिर्फ कोचिंग ही नहीं, उसके अलावा वहाँ पर आपको रहना भी होगा, 14-15 महीने का जो समय आपको वहाँ पर देना होगा। आप जानते हो कि मुखर्जी नगर जैसे एरिया में किराया रेंट बहुत ज़्यादा है, खाने के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इवन हर चीज़ वहाँ पर थोड़ी महंगी मिलती है। इसलिए जो है एक आम व्यक्ति, एक कॉमन जो पर्सन वहाँ पर रह करके बड़ी मुश्किलों के साथ ही अपनी तैयारी कर पा सकता है। और मेरा उद्देश्य सिर्फ इस बात से है कि जो भी व्यक्ति मेरी वीडियोस को देखे उसको प्रॉपर तरीके से मैं जो है किसी भी टॉपिक के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी दे पाऊँ। मैं अपने इस चैनल में लगातार जो वीडियोज़ दूँगा उसमें मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी साथ ही साथ में जो है कराता चलूँगा कि आपको अगर ये टॉपिक है इस पर किस किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में मैं उस सारी चीज़ों को कराऊंगा, वहाँ पर किस प्रकार से एक अच्छा उत्तर लिखा जा सकता है और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। टॉपिक एक ही होगा लेकिन क्वेश्चंस डिफरेंट पूछे जाते हैं बार बार, तो उनका मेथड क्या होता है उनको पढ़ने का, उनको समझने का, ये सारी बातें हम जो यहाँ पर कर रहे होंगे। तो मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थियों को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्वक जो है शिक्षा उनको प्राप्त हो, और इसमें यदि मेरा थोड़ा सा योगदान काम आ सके तो ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। अब अगर मैं आपसे बात करता हूँ कि वीडियो किस प्रकार की आएंगी हमारे इस YouTube चैनल पर, तो कोई भी वीडियो होगी, देखिए ये कोई ऐसे कमर्शियल जो है परस्पेक्टिव से तो हमने नहीं बनाया, इसको कमर्शियल पर्पज़ नहीं है इस चैनल का,
क्योंकि कमर्शियल पर्पज़ के लिए जो चैनल्स होते हैं उनमें आप अगर वीडियोस का टाइम देखोगे तो 3 मिनट 5 मिनट 7 मिनट ऐसे होते हैं, जबकि आप अगर इस पर 4 वीडियोस जो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, 4 से 5 वीडियोस आप देखोगे कि कोई भी 45 मिनट से कम नहीं है। कोरोना वायरस से संबंधित वीडियो हमारी 24 मिनट की थी क्योंकि वो एक छोटा सा टॉपिक था। हालांकि टॉपिक छोटा है लेकिन उसके असर तो काफ़ी बड़ा हो ही रहा है, ये तो आप सभी जानते ही हो। लेकिन अगर हम कोई भी टॉपिक उठाएंगे, मान लेते हैं कि मैंने 1857 का विद्रोह अगर मैं आपको क्लास में करा रहा हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि मैं उसको पूरा कराऊँगा आपको। पूरा मतलब कि 1857 का जो विद्रोह था, 1857 का जो रिवोल्ट था, वो क्यों हुआ, उसके क्या क्या कॉजेस थे जो वो उस समय जो है उसकी ये ऐसी घटना घटी, और उसी के जो है टाइमलाइन में और उसी की क्रोनोलॉजी में और कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी देश में, क्यों हुआ वो, किस किस जगह तक वो फैला, कहाँ कहाँ तक वो स्प्रेड हुआ, और स्प्रेड होने के साथ साथ में उसके प्रभाव क्या थे, हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़े, इतिहास पर क्या प्रभाव थे उसके। उसके अलावा उसका जब दमन किया गया, उसको डिप्राइव किया गया, सप्रेस कर दिया गया अंग्रेज़ों के अधिकारियों के द्वारा, तो बाद में उसके क्या क्या प्रभाव पड़े, प्रभाव के साथ साथ में दमनकारी नीतियाँ जो अपनाई गई और उसके कौन कौन से चेंजेस आए, तो ये सारी की सारी जितने भी रिलेटेड होंगे 1857 से, वो सारी की सारी जो है जानकारी आपको एक ही वीडियो में देने का प्रयास होगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपको एक ही वीडियो में सारी चीज़ें को समझना है तो वीडियो का टाइम तो अपने आप ही बढ़ जाना है। आप निश्चित तौर पर अगर उसको देखोगे, आपको अगर वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई कंटेंट जो क्लास में कराया जा रहा है, तो आप बिल्कुल ओपन है, आप जो है उस पर सही बात या गलत बात कमेंट में कुछ भी बोल सकते हो कि आपने अगर मैंने गलत पढ़ाया है तो आप यहाँ तक कि मुझे जो है कुछ भी कह सकते हैं, मैं उस बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। मैं अपना प्रयास करूंगा कि मैं अच्छे से अच्छे तरीके से आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें को डिलीवर कर सकूँ। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि लगातार जब आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं तो उसके बाद में होता क्या है कि आप लोग उसमें मजे जाते हैं, आप उसको अच्छी प्रकार से फिर कम शब्दों में कम समय में आप उसको इफेक्टिवली डिलीवर कर पाते हो। तो यही प्रयास मेरा रहेगा कि हमें वीडियोस किस प्रकार से देनी है। अब अगर बात की जाए, आप लोग सोच रहे होंगे कि कौन से विषयों की जो है वीडियोज़ यहाँ पर आएंगी। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल पर वीडियोज़ तो लिमिटेड रहेगी, ये कमर्शियल चैनल नहीं है। मैं आपको बार बार यह बात बोल रहा हूँ, कमर्शियल चैनल जो होते हैं वो हर दिन या हर दूसरे दिन वीडियोस आपको देते रहेंगे। इस चैनल पर आपको वीडियो हफ्ते में या 10 दिन में कोई एक वीडियो जो आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग एक वर्ष के भीतर भीतर आपको जो प्रमुख टॉपिक्स होंगे उनकी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और अब बहुत सारे विषय हैं, SSC की बात कर ले या UPSC की बात कर ले, स्पेशली जो चैनल है वो UPSC पर्पज़ से बनाया गया है। आप लोगों ने चैनल का नाम भी देखा है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर वीडियोस भी ज़्यादातर जो होंगी वो IAS लेवल से ही जो है रिलेटेड होंगे। दूसरी बात, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि सभी के सभी विषयों को मैं अकेला पढ़ाऊँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर जो भी अपने विषयों में अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा वो आपको वो कंटेंट दे रहा होगा। और मैं बिल्कुल डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ इस बात को कि हमारे जो फैकल्टीज़ हैं, जो हमारे टीम मेंबर्स हैं साथ के, वो आपको बेहतर से बेहतर ही करने का प्रयास करेंगे आपके लिए। आप जब उनकी वीडियोस को देखोगे तो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इजीली सारे के सारे कंसेप्ट समझ में आ पा रहे होंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या क्या है कि YouTube पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एजुकेटर्स हैं। लेकिन मैं किसी को कम या ज़्यादा तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसमें जो दुविधा, जो डायलमा पैदा होता है वो विद्यार्थी के मन में होता है कि वो उसकी वीडियो देखे या उसकी वीडियो देखे। कुछ विद्यार्थी मेरे से पूछते हैं कि आपने काफ़ी शार्पली कुछ चीज़ों को पढ़ा हुआ है, आप जो है ठीक ठाक तरीके से अगर आपने इसको पढ़ा हुआ है तो आपने कहाँ से पढ़ा है। मैं हमेशा से विद्यार्थी को यही बात बोलता आया हूँ कि मैंने एक किताब को 10 बार पढ़ा है, ना कि 10 किताब को एक बार। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास में कंटेंट लिमिटेड होना चाहिए, लेकिन आपकी उस पर ग्रिप अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी ग्रिप अच्छी है तो आप बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर सकते हो। बाकी जो उसमें अपडेशन होता रहता है वो समय के साथ आप उसको अपडेट करते रह सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि अपने ऊपर ज़्यादा लोड बिल्कुल भी ना लें, और किसी भी सब्जेक्ट को लेकर के आप अगर मार्केट में जाओगे, आपको अगर ज्योग्राफी की किताब खरीदनी है तो आपको 15 राइटर्स की किताबें मिल जाएगी। YouTube पर आप जाओगे तो आपको 50 जो है एजुकेटर्स मिल जाएंगे। समस्या तो आपके सामने है ना कि आपको क्या करना है क्या नहीं। समस्या आपके सामने जब ये आ जाएगी तो आप एक ही विषय को इतना लंबा समय नहीं दे सकते, क्योंकि आपको विद इन गिवन टाइम आपको एग्ज़ाम क्लियर भी करना है, अपनी तैयारी भी पूरी करनी है।
आप किसी एक सब्जेक्ट को इतना टाइम नहीं दे सकते, इसलिए आपके पास में क्वालिटी होनी चाहिए और क्वालिटी के साथ साथ में कितना कंसाइज आप उस नोट्स को बना सकते हो, ये सारी चीज़ें जो है मैटर करती है एक अच्छी तैयारी में। साइंटिफिक तरीका क्या हो सकता है अध्ययन का, वो हम धीरे धीरे आगे इसमें जो दूसरी वीडियोज़ आएंगी उसमें मैं आपको बताता रहूँगा। अब ये मेरा छोटा सा प्रयास है और पहली बार आप लोगों के सामने इस प्रकार से लाइव बात कर पा रहा हूँ। देखिए मैं थोड़ा कैमरा कॉन्शियस हूँ और इसी वजह से शायद हो सकता है कि कुछ गलतियाँ मुझसे यहाँ पर रही हो, बाकी मेरी गलतियों को आप अवश्य माफ़ कर दीजिए। आपसे ये निवेदन भी करना चाहूँगा साथ ही साथ में कि आप इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर सको तो ये मुझ पर भी मेहरबानी होगी, और साथ साथ में ऐसे लोगों के मैं काम आ पाऊँगा कि जो लोग महंगी कोचिंग्स में या अपने समय के अभाव के कारण जो कोचिंग नहीं करवा पाते हैं और अपने घर में ही बैठ करके वो इन चीज़ों को देख सकते हैं। आप लोगों को मैं इस बात का भी जो है एक वादा करता हूँ कि ये चैनल हमेशा निःशुल्क रहेगा, वीडियोज़ पर कम रहेंगे लेकिन टॉपिक रिलेटेड रहेंगे। कम का मतलब ये नहीं है कि हाँ 10-20 वीडियोज़ रहेंगे, मतलब टॉपिक वाइज आएंगे। इस पर स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा रहेगा, इसमें करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हम अगर इसमें देंगे भी तो वो एग्ज़ाम से सिर्फ पहले दी जाएगी, जो हो सकता है कि 5 या 7 वीडियोज़ होंगी, बड़ी बड़ी वीडियोज़ होंगी और बहुत स्लाइड स्लो में जो चलेंगे, क्योंकि करंट अफेयर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है और बच्चे पर बर्डन जो है लगातार बहुत ज़्यादा रहता है करंट अफेयर्स का, और उसको पढ़ने का तरीका क्या होगा वो भी हम बताते रहेंगे। साथ साथ में हम आपको वीडियो जो करंट अफेयर की दिया करेंगे वो मंथली देंगे, मंथली दे सकते हैं या 3 मंथ में एक बार दे सकते हैं, या आपको मतलब क्वार्टरली के बाद में आपको हम हाफ ईयरली भी दे सकते हैं और या एनुअल भी दे सकते हैं। ज़्यादातर वीडियोज़ जो करंट अफेयर्स की यहाँ पर आएगी वो तभी आएंगी जब कोई एग्ज़ाम आ रहा होगा, जैसे फिलहाल 31 मई को एग्ज़ाम आने वाला है UPSC का। अब UPSC के इस एग्ज़ाम से लगभग 1 महीने पहले तक ही हम सारी की सारी वीडियोज़ को अपलोड कर देंगे, जो भी 5-10 वीडियोज़ हमारे करंट अफेयर्स की होंगी, और वो इसलिए किया जाएगा क्योंकि आप लोगों ने तब तक करंट अफेयर को अच्छा कर लिया होगा। बस वो वीडियो का उद्देश्य होगा कि आपका जो करंट अफेयर आपने पढ़ा है वो अच्छे से रिवाइज हो जाए। प्रयास यही रहेगा कि हम पूरे के पूरे साल भर जो है अच्छे से मेहनत करके आपको कंसाइज्ड और प्रिसाइज्ड आपको कंटेंट दे करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर कितनी मात्रा में आ सकता है इसका कोई आइडिया नहीं है। अगर आप करंट अफेयर में 70% to 80% तक अगर आप सही कर पा रहे हैं, 70% अगर आप अच्छा कर पा रहे हो या आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हो तो बहुत बड़ी बात होगी, कि करंट अफेयर में स्कोर करना इतना भी ईजी नहीं होता। बाकी अगर आप लोग मेहनत करते हो तो देख सब कुछ ईजी होगा आप लोगों के लिए। तो बस आज के जो इस वीडियो का उद्देश्य यही था कि आप लोगों के साथ में जुड़ा रह सकूं। अब चूंकि लॉकडाउन की स्थिति है तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी लगभग 1 महीने के अंदर अंदर 8 से 10 वीडियो किसी भी अच्छे टॉपिक पर जो है मैं यहाँ पर अपलोड कर सकूं। मैं आप लोगों से बिल्कुल जो आप लोगों की राय जानना चाहूँगा कि आप लोग किस विषय से संबंधित या किस टॉपिक से संबंधित वीडियो देखना चाहते हो। आपको इस बात का और भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि जो टॉपिक्स काफ़ी टफ़ रहते हैं जो विद्यार्थियों के उद्देश्य की अगर निगाह से देखा जाए, उसके प्रस्पेक्टिव से अगर सोचा जाए, चूँकि मैं भी एक विद्यार्थी ही रहा हुआ हूँ और वर्तमान में भी विद्यार्थी समझ लीजिए मुझे भी, तो मैं समझ सकता हूँ कि कौन कौन से टॉपिक्स में कहाँ कहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करता है एक विद्यार्थी। इसलिए मैं तो प्रयास यही करूँगा कि जो डिफ़िकल्ट जो टॉपिक्स लगते हैं विद्यार्थियों को तो उनको ईजिली जो मैं आपको जो समझा सकूँ, जैसे ज्योग्राफी में एक पर्टिकुलर टॉपिक है जैसे आपने सुना होगा एनसो का, एल नीनो सदन ऑक्सीडेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी थोड़ा डायनामिक भी हो और आप देखोगे टेक्निकल भी है। ऐसा ही टॉपिक है आप देखोगे वाकर सर्कुलेशन है, वाकर परिसंचरण है, या जो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है, जो जैसे आपने हेडली सेल फेरल सेल सुना होगा, ये क्या है कि कंसेप्चुअल टॉपिक्स हैं। तो जो भी कंसेप्चुअल होंगे वो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड हो, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, IR हो, इकोनॉमी हो, या आपका इन्वायरमेंट हो, या आपका इंटरनल सिक्योरिटी हो, या करंट अफेयर हो, जो भी आपके ऐसे साइंटिफिक टॉपिक्स होंगे या ऐसे टेक्निकल टॉपिक्स होंगे कि जो हाईली डायनेमिक हो और आपसे जो है डीप नॉलेज की जो डिमांड कर रहे हो, ऐसे लगभग 90% से ज़्यादा टॉपिक्स पर मैं प्रयास करूँगा कि वीडियो यहाँ पर अपलोड की जा सके। तो बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग जुड़े रहिए मुझसे। नमस्कार।